दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ईडी द्वारा जुटाए हुए सबूत से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। खबरों की माने तो ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने कहा है कि सरकारी गवाह संबंधित कानून एक साल से नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता यानी केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था। अदालत ने कहा है कि यह दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ भी की जा सकती थी। यह तय करना कि आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी चाहिए, यह अभियुक्त की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता है। यह अदालत दो तरह के कानून नहीं बनाएगी, एक आदमी के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति के माध्यम से गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल करने के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाले साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 की उत्पादक शुल्क नीति यानी शराब नीति बनाने और उसे कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धन शोध का मामला दर्ज किया था। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहे।